हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 6 पार नज़र के। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो इसका आंसर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। तो इसका उत्तर देखते हैं, सुरंग में सिक्योरिटी पास वाले लोग ही जा सकते थे। यहाँ अनेक यंत्र लगे थे जो अति संवेदनशील थे। यह रास्ता ज़मीन के ऊपर जाता था, जहाँ जाने के लिए खास किस्म का सूट पहनना पड़ता था। इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो क्यों नहीं थी छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त? क्योंकि वहाँ पर सुरंग में से ना सिर्फ सिक्योरिटी पास जिनके पास होता था वही लोग जा पाते थे, और क्योंकि वो मंगल ग्रह था ना, मंगल ग्रह में बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई थी। मतलब पहले मंगल ग्रह भी हमारे अर्थ की तरह, हमारे जो पृथ्वी है इसकी तरह बहुत ही हरा भरा, बहुत अच्छा होता था, मगर समय के साथ साथ जो पर्यावरण की जो कंडीशंस होती हैं एनवायरनमेंट की, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, और ऊपर सतह पर रह पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो अगर आपको सतह पर जाना था मंगल ग्रह की, तो एक स्पेशल सूट पहनकर जाना पड़ता था ताकि आपके शरीर को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसीलिए छोटू उस सुरंग में नहीं जा सकता था, उसको इजाजत नहीं थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? तो इसका आंसर देखते हैं, कंट्रोल रूम में छोटू ने कंप्यूटर पर यान क्रमांक 1 को देखा। वहां उसने कंसोल का बटन दबा दिया। कंसोल नहीं, कंट्रोल का, यहाँ पे ये तो आएगा। वहां उसने कंट्रोल का बटन दबा दिया जिससे यान के आंतरिक हाथ की हरकत बंद हो गई। तो कंट्रोल रूम में जाके उसने एक बड़ा सा बटन दबा दिया था छोटू ने, जिससे वो जो बाहर यान था ना, उसकी जो हरकतें हैं, उसका एक हाथ हिलना बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जन जीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखें। तो इसका उत्तर है, कहानी के अनुसार पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर भी कभी आम जन जीवन था। धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा और सब कुछ नष्ट हो गया। यह परिवर्तन सूरज के कारण हुआ। सूरज के परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो प्राकृतिक संतुलन था वो बिगड़ गया था, इस वजह से अब मंगल ग्रह पर रह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर नेक्स्ट है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने भेजा था। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ने कहाँ पर है ये नासा, किसकी एजेंसी है? यह है यूएसए की एजेंसी। तो आंसर देखते हैं आगे, वहाँ के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी अध्ययन करना चाहते थे और पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी जैसा जीवन है या नहीं। तो जो ये मंगलयान था वो नासा के लोगों ने भेजा था, और वो ये पता लगाना चाहते थे कि जो मंगल ग्रह है वहाँ पर भी जीवन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के निम्नलिखित तरीके अपनाते हैं। ये देखिए, तो नंबर 1 जो था, नंबर 1, यदि यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो इससे खाक कर देने की क्षमता हम में है, नंबर 1 था। नंबर 2, यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इससे बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। तो 2 ये था, तीसरा नंबर क्या था? नंबर 3, हमें अपना अस्तित्व छिपाए रखना चाहिए, हमें अपना प्रबंध छिपकर रहकर करना चाहिए ताकि वे यह ना जान सकें कि हमारे पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यही था। कि एक तो क्या था कि वो जो यान था वो खुद ब खुद ज़मीन पर, उसको उतरने दो, और इसे अगर कोई ये कोई दिक्कत परेशानी करता है तो हम इसको ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। 2 ये था कि यंत्र को बेकार कर दो, मगर ऐसा करेंगे तो दूसरे ग्रह के लोग जान जाएंगे कि भाई कोई यहाँ पर रहता है मंगल ग्रह पर। फिर नंबर 3 क्या था? कि अपने अस्तित्व को छुपा कर रखें ताकि जो दूसरे लोग हैं वो हमारे बारे में ना जान पाए। ऐसा मंगल ग्रह के लोग का जो 1, 2, 3 का जो नंबर था उसमें ये बातें थी।
फिर नेक्स्ट है, यदि आप नए स्कूल में गए तो आपको कैसा अनुभव हुआ? तो इसका आंसर है, नए स्कूल का पहला अनुभव अच्छा था। मैं किसी भी अध्यापक तथा छात्र को नहीं जानती थी। मैंने अपने साथ के एक लड़के से बातचीत की। वह मेरी ही कक्षा का छात्र था। फिर हम मित्र बन गए। उसने अन्य छात्रों से भी मेरा परिचय करा दिया। तो ये वाला तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ये वाले सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए हिंदी में, क्योंकि यही चैप्टर एलियन हैंड एक बुक है आपकी। जब 7th में आप जाएंगे तो 7th की जो सप्लीमेंट्री बुक है एलियन हैंड, उसका लास्ट चैप्टर ये है। और बिल्कुल सेम चैप्टर है, जैसे इसमें है ना जो चीज़ आपको इस चैप्टर में बता रखी है हिंदी में, वही सेम चीज़ इंग्लिश में क्लास 7th में आएगी। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।